सरकार को ये चीज समझनी होगी कि जो भी ये विसंगतियां हैं ये उनको दूर करनी होगी। जो स्वास्थ्य कर्मी देश दिन से सड़क पर बैठे हैं, क्या इस जिम्मेदार सरकार को चिंता नहीं है कि यदि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक दिन कमल हासन जी ने याद किया और तुरंत चेन्नई चले गए हो, कमल हासन जी ने थोड़ा सा लिंक दिया उनको और अपनी पार्टी के लिए वो एक मिनट में चेन्नई चले गए, क्या हम लोग 3000 लोग दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए उन अपने हक के लिए यहाँ बैठे हैं तो क्या उनको चिंता नहीं है? क्या उनको नहीं आना चाहिए एक दिन यहाँ पे? क्या हमारे हक के लिए हमने उनको नहीं आना चाहिए कि हाँ ये इनकी यदि हमारे मांगे मजबूत गलत हैं तो हमें आगे समझाएं कि तुम गलत मांग कर रहे हो। यदि उनको लगता है कि हम गलत मांग कर रहे हैं तो हमें एक भी आदमी आके ये बोले, सरकार का नुमाइंदा यहाँ पे आए बोले कि तुम्हारी मांगे गलत हैं, उनको पता है कि इनकी मांगे सही हैं, जायज हैं, उसके बाद भी जब भी यूनियन जाती है सिर नीचे हम दे रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप कब दोगे आप हमें बता दीजिए। आपने डेडलाइन दी थी 31 मार्च। हम पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, हम आपके हमने पहले भी स्ट्राइक करी, आपने बोला हम 31 मार्च तक आपका काम करेंगे, हम आपको समान काम समान वेतन देंगे और हम इस पहल में हमने उनका साथ भी दिया क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम कोई आंदोलनकारी नहीं है, हम कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, हम सिर्फ स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और हम स्वास्थ्य हित में बात करते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी लोग परेशान हो रहे हैं हमारी वजह से हम उनके लिए भी सॉरी बोलते हैं, हम उनसे भी अपना दुख प्रकट करते हैं कि हाँ हमें उनकी संवेदनाएं हमें पता है कि जो बच्चे आज बिना इम्यूनाइजेशन के जा रहे हैं, जो माता प्रेग्नेंट गर्भवती महिला है अस्पताल में आती है चक्कर काट रही है उसका काम नहीं हो पा रहा है तो हमें उसका भी दुख है, हम उसका भी दुख प्रकट करते हैं कि हाँ वो यहाँ आए उनका काम नहीं हो रहा है। लेकिन माननीय जो सरकार है उसको चिंता नहीं है और उसको इस बात की चिंता नहीं है, वो उसकी कोशिशें क्या हैं? हम कुछ दिन से देख रहे हैं कि हमारे उच्च अधिकारी डिस्पेंसरियों में जा रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, तो वहां जाने का उनके पास टाइम है, वो ये देख रहे हैं कि इनका काम सफल हो रहा है या नहीं। लेकिन ऐसा वो सिर्फ ये देख रहे हैं, क्या उनको ये नहीं पता कि 3000 कर्मचारी सड़क पर बैठे हैं तो काम सफल नहीं होगा क्या? इस बात का उनको अच्छे से पता है, लेकिन वो सिर्फ ये झुठलाना चाहते हैं कि तुम यहाँ बैठे हो हमारा कोई काम सफल नहीं कर रहा है। एक बार उस डिस्पेंसरी में जाके देखें, उस गर्भवती महिला से जाके पूछें जो सुबह से शाम तक चक्कर काट रही है, उसका दुख वही बयां कर सकती है। माने मुख्यमंत्री जी 10 मिनट की रिकॉर्डिंग आप जो कैमरा लेकर के जाते हैं, आप देख रहे होंगे आजकल चैनलों में कि एक कैमरा लेकर के माननीय मुख्यमंत्री निकलते हैं, माननीय प्रधान स्वास्थ्य मंत्री जी निकलते हैं, शिक्षा मंत्री जी जाते हैं किसी स्कूल में, उनका कैमरा से पीछे पीछे रिकॉर्डिंग होती है, हाँ तुम क्या कर रहे हो भाई, देख गंदगी क्यों है। तो मैं जानना चाहूँगा कि 3 साल तक उनको गंदगी याद नहीं आई, आज जब चुनाव का वक्त आ रहा है तो उन्हें गंदगी याद आ रही है, उस प्रिंसिपल में कमी आ रही है, उस स्वास्थ्य कर्मी में जो A&M में कमी नजर आ रही है। आज हमें बोला जा रहा है कि आपकी A&M काम नहीं कर रही है, मिशन इंद्रधनुष को जलाना पड़ा क्योंकि आपकी A&M काम नहीं कर रही है। तो माननीय जो भी अधिकारी हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप 20 साल से हमारे NHM कर्मचारी काम कर रहे हैं तो तब उनमें कमी नजर नहीं आई? आपका डाटा आपने आपके अभी कुछ दिन पहले माननीय स्वास्थ्य केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बोला कि जो मातृत्व मृत्यु दर है 5% से 2% 2.5% हो गई, तो क्या वो अपने आप हो गई? हम काम नहीं कर रहे तो कैसे हो गई? वो काम कौन कर रहा है? जो NHM कर्मचारी बेचारे फील्ड में इतना काम करते हैं, सुबह पहले धूप में थे बैग निकल निकलती है, शाम को 4 बजे तक आती है, तो क्या उनका वो काम नहीं कर रही है? एक दिन मैं कहता हूँ कि जो इसी चैम्बर में बैठते हैं वो सुबह उनके साथ निकले, उनके साथ निकले और आए 4 बजे तक घूम के, पता लगे कि कैसे काम होता है फील्ड में। कहना बड़ा आसान है, एक महिला जो सुबह बैग लेकर निकलती है वो 4 बजे तक फील्ड में घूमती है तो उसका दर्द वो ही बता सकती है। और जब हमें दुख नहीं है, हमें ये करके अच्छा लगता है, लेकिन दुख कब होता है? जब हमारे अधिकारों का हनन होता है। जिस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं वो एक ही चीज है सिर्फ कि हम समान काम समान वेतन, जिस काम के लिए हम जो मेहनत हम कर रहे हैं हम उससे दुगना करेंगे। हमने सभी सरकार से कभी ये नहीं कहेगा हम काम नहीं करेंगे, हम उससे दुगनी मेहनत करेंगे, लेकिन जो हमारा हक है वो तो हमें मिले भाई, हमें हमारा हक तो मिले। जिस हक के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं
क्या हम उस वो हक हमें नहीं मिलना चाहिए जिसके हम हकदार नहीं है? एक यदि हम बात करें, एक एएनएम जो बात काम कर रही है, एक स्वास्थ्य जो सफाई कर्मी है उससे भी कम सैलरी में काम कर रही है, एक सफाई कर्मचारी की सैलरी से भी कम सैलरी में एक एएनएम काम कर रही है, तो इससे बुरा दुर्भाग्य और क्या होगा? जो भी अधिकारी हैं उनको कुछ तो शर्मानी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, इतना शोषण सही है क्या? ये शोषण की भी एक हद होती है, किस हद तक होना चाहिए? कम से कम शोषण हमने सहा, हमने कितने सालों तक सहा हमने, कम सहा? कोई हमें एक बार देख के, हमारा रिकॉर्ड देख करके बताए, हमने कभी एक बार भी आवाज नहीं उठाई सरकार के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ जो हमने हमारा शोषण कर रहे थे। लेकिन दुख जब होता है जब हमारा एक सीट पर हम दो कर्मचारी काम कर रहे हैं, एक को मिल रहा है 70,000, एक को मिल रहा है 20,000। विसंगतियों की कुछ लिमिट होती है माननीय जी, लेकिन इतनी नहीं होती कि एक को कुछ मिले और एक को कुछ भी ना मिले। क्या हमारे बच्चे नहीं है? क्या हमारा अधिकार नहीं कि हम भी हमारे बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाएं? क्या हमारा अधिकार नहीं हम भी एक अच्छे घर में रहें? हम कब तक किराए में घर में रहेंगे? कब तक हमारे बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ेंगे? हम भी चाहते हैं कि हम भी एक अच्छे स्कूल पढ़ाएं। जब उन अधिकारियों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में, मॉडल स्कूल में पढ़ रहे हैं, या तो वो भी रखें फिर, यदि उनको लग रहा है तो वो अधिकारी क्यों नहीं करते, क्यों नहीं पढ़ाते सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को? क्यों नहीं अपना इलाज एक बार सरकारी अस्पताल में करवाते? क्यों वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं? हमारे कर्मचारी 20 साल से यहाँ सड़क पर काम कर रहे हैं नर्सम में, उनके पास अभी तक ये भी नहीं कि कल को वो बीमार हो जाए या कोई ऑपरेशन उनका डॉक्टर बता दे तो वो अपना ऑपरेशन करवा ले। उसको इतनी सैलरी मिलती है कि उसमें तो वो अपना सही से इलाज भी नहीं करवा सकता और सही से दोनों वक्त का खाना भी नहीं खा सकता। सही पूछो तो ये है, हमें ये सोचना पड़ता है खाने में भी कि आज क्या खाएं, हमारे मेनू कहाँ हो, हमारे बच्चे कहाँ पढ़े, रोज मन में यही विचार आते हैं। तो हमारे गुजारिश इस सरकार से, इन अधिकारियों से यही है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम यह आंदोलनकारी नहीं है, हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, हमारा सिर्फ एक छोटी सी मांग है, छोटा सा हमारा जो भी है कि समान काम समान वेतन, आप हमें समान काम समान वेतन दीजिए जो कि हमारा हक है, और वो हमें दो और हम यहाँ से हमारे काम पे लौट जाएं। ये हमारी इतनी छोटी सी मांग है जिसके साथ हम यहाँ पे बैठे हुए हैं।